राहुल गांधी 2 हफ्तों के लिए अमेरिका के दौरे पर गए हैं, जहां वो ग्लोबल थिंकर्स, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों के अलावा भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। भारतीय समय अनुसार मंगलवार सुबह राहुल गांधी ने बर्कली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को संबोधित किया। राहुल ने यहाँ कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना की। नोटबैन पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। नोटबैन की निंदा करते हुए राहुल ने कहा, नोटबंदी लागू करने के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या संसद की राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। नोटबंदी की वजह से जीडीपी में 2% की गिरावट आई। भारत में ना तो नई नौकरियां बिल्कुल पैदा हो रही हैं और ना ही आर्थिक विकास रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर किए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से किसानों की आत्महत्या की रफ्तार में बेतहाशा इजाफा हुआ है। राहुल ने चेतावनी दी कि हाल में सरकार की ओर से लिए गए आर्थिक फैसलों से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की पटरी से उतर जाने का खतरा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा लिया गया चर्चित नोटबंदी का फैसला 99% पुराने नोट वापस जमा होने के बाद सवालों के घेरे में है। जिस तेजी से अर्थव्यवस्था के विकास की गति नीचे गई है, उसे देखकर लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर और ज्यादा घिर सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।